की, भारत माता की। एम जयपुर हेमनगर ये भाई मीडिया वाला तो उभा रहे थे, तमने कहा बेसर हो जाए। अरे मैंने क्या साफर करना जोवन बाकी थे, तब मन जुड़े लोग थे। एक कितना है दस का होती साफर करना साथे नो मारो निकट नातो रहो छे। पेड़ियों बदलाएगी, रंग रूप बदलाई गया, पर साबरकांठा नो प्रेम एवं ने एवं मारा पड़े। એવો ને એવો મારા પર રહ્યો છે। અને આપણો આ જે પ્યાર છે, આપણા જે આશીર્વાદ છે, એના કારણે મને आप सब पर भारे भरोसो पण छे। साथियों, कदाच दुनियाना लोको मोदी ने एक देशना प्रधानमंत्री तरीके ओळखता हशे, परंतु देश माटे तो हूँ मात्र ने मात्र एक सेवक छु। देशवासियों माटे सेवानु व्रत लेने निकलेलो आपना माटे खपी जनारो अने सदाय तमारो साथी अहीं अनेकों ने हूँ नाम थी बोलावी शकुं अने अनेकों मने कही गए नरेश भाई उभारो ने जरा, एवो आपणो नातो। અને એ જ શક્તિ છે જે શક્તિને લઈને આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ। અનેક વાર આવ્યો છું, પરંતુ આજે હું આપની પાસે કંઈક માગવા માટે આવ્યો છું। સરકારી કામોમાં આવું તો કહીને કે આપવા માટે આવું, કંઈ યોજના લઈને આવું, કંઈ શિલાન્યાસ હોય, ઉદઘાટન હોય, परंतु कोकवार तो मांगवा आवू जोए ने। अने मने तमारा आशीर्वाद जोईए छे, जेथी करीने 140 करोड़ देशवासियों जे सपना लईने जीवी रह्या छे ए सपना ने साकार करवामां हूँ कोई पाछी पानी ना करूं, मारी कोई उणप न रही जाए, अने एना माटे मने मजबूत समर्थन जोईए। संसद में मने गुजरातना बधा ज साथीओनी जरूर छे। देश चलावा माटे मने साबरकांठाए जोईए ने मेहसाणाए जोईए, अने मने पूरी खातरी छे कि आप सब 7मी तारीखे अभूतपूर्व मतदान करीने प्रत्येक पोलिंग बूथ में विजय प्राप्त करवाना संकल्प साथे भारतीय जनता पार्टी ने विजयी बनावशो।
એવી મને પૂરી શ્રદ્ધા છે. ભાઈઓ ઓર બહેનો, 2014 મેં જબ આપને મુજે દિલ્હી ભેજા તો કોઈ છોટે મોટે કામ કરને કે લે થોડા ભેજા થા. આપને મુજે ચુનૌતીઓ કો ચુનૌતી દેને કે લે ભેજા થા, ચુનૌતીઓ કો ટાળને કે લે નહીં, चुनौतियों से टकराने के लिए भेजा था. और इस मिट्टी में वो ताकत है, दुनिया ने महात्मा गांधी में वो ताकत देखी थी, देश ने सरदार वल्लभ भाई पटेल में वो सामर्थ्य देखा था, इस मिट्टी में वो ताकत है जिसने मुझे पाला पोषा बड़ा किया. और मैं आपके द्वारा दिए गए संस्कारों से, आपके द्वारा दी गई शिक्षा से आज देश की सेवा करने में दिन रात खपाता रहता हूं. आज मैं संतोष के साथ कह सकता हूं कि मैंने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी. ये कांग्रेस के लोग देश को डराते थे कि राम मंदिर बनेगा तो देश में आग लग जाएगी. राम मंदिर बना के नहीं बना, शान से बना के नहीं बना, प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई कि नहीं हुई, क्या कहीं कोई आग लगी क्या, कहीं तूतू मैमे भी हुआ क्या? देश भर के लोगों ने मिलकर के उस उत्सव के रूप में मनाया कि नहीं मनाया? यानी कांग्रेस के लोग जमीनी हकीकतों से कितने कटे हुए हैं और अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए किस प्रकार से लोगों को भयभीत रखते हैं, डराते रहते हैं, इसका उत्तम उदाहरण है. देश में कोई आग नहीं लगी, लेकिन कांग्रेस के दिलों में जो आग लगी है वो कोई बुझा नहीं सकता. आप कल्पना कीजिए, आजाद देश आजाद होने के दूसरे दिन प्रभु राम का मंदिर बनना शुरू होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ. देश को लड़ाई लड़नी पड़ी. 70-75 साल तक उसको रोकने के लिए कांग्रेस ने लगातार कोशिश की, अदालत में भी कोशिश की, बाहर भी की, कानून बदले ताकि राम मंदिर बने नहीं, लेकिन आखिरकार न्यायालय ने निर्णय दिया. बेटा आप वो फोटो मैंने देख लिया, बैठ जाइए, पीछे लोगों को परेशान कर रही हो आप, अब बैठ जाइए. उन्होंने जो राम मंदिर के ट्रस्टी हैं उन्होंने सब चीजें माफ कर दी. जिन जिन लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया था सब कुछ माफ कर दिया, और माफ करके उनके घर जाके उनको निमंत्रण दिया कि आओ नए सिरे से अपन आगे बढ़ते. लेकिन ये लोग देखिए, प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए. वोट बैंक की राजनीति में ये इतने डूबे हुए हैं कि वो संतुलन खो बैठे हैं. साथियों, ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटेगा तो देश टूट जाएगा, देश में खून की नदियां बहेगी.
न जाने क्या क्या कहते थे। यहां तक कहते थे जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। उनको पता नहीं है ये मोदी है, ये उसको डराने के खेल बंद कर दो भाई। आप बताइए आर्टिकल 370 हटा कि नहीं हटा? जरा थक ढंग गए हो तो जरा जिंदा होकर के जवाब दो, क्या आर्टिकल 370 हटा कि नहीं हटा? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? क्या देश में कहीं खून की नहीं दिया भाई? और आज लाल चौक में शान से आन बान शान के साथ देश का तिरंगा लहरा रहा है कि नहीं लहरा रहा है? साथियों, 10 साल पहले तक देश आतंकवाद की आग में जल रहा था और कांग्रेस, पता था पड़ोसी देश आतंकवादी एक्सपोर्ट कर रहा है और उनका यही बिजनेस है आतंकवाद एक्सपोर्ट करना। और जब आतंकवादी आते थे, बहुत बड़ी घटना करते थे, मुंबई में 26/11 कर दिया, हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में बम धमाके होते रहते थे, लोग मर रहे थे, कश्मीर में आए दिन हमारे वीर जवान शहीद होते रहते थे, और उस समय की कमजोर सरकार क्या करती थी? डोजियर भेजती थी, जानकारियां, उनकी फोटो ये सब भेजते थे, ये आपके यहां से आए थे, उन्होंने किया। और कांग्रेस पाकिस्तान से कहती थी कि बताओ भाई साहब हम पर बम क्यों फोड़ते हो? वो भी एक जमाना था, डोजियर भेजते थे। आज का भारत आतंक के आकाओं को डोजियर नहीं, डोज देता है और घर में घुस करके मारता है। साथियों, हमारे देश में वोट बैंक की राजनीति की शिकार अगर कोई हुई तो हमारी मुस्लिम बहनें शिकार हुई। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया था, ये संविधान लेके घूम रहे हैं ना शाहजादे, अगर संविधान के प्रति इतना सम्मान है तो भारत के संविधान ने बनाई हुई सर्वोच्च अदालत ने कहा था शाहबानो के केस में, लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट का अपमान करके कानून बना दिया और मुस्लिम बहनों को संरक्षण नहीं दिया। और तीन तलाक खत्म होने से सिर्फ मुस्लिम बहन को सुरक्षा मिली तो नहीं, पूरे परिवार को सुरक्षा मिली है, क्योंकि जब बेटी शादी करके जाती थी तब पूरा परिवार बड़े सपनों के साथ बेटी को ससुराल भेजता था, लेकिन चिंता रहती थी मुसलमान परिवार को कि कहीं दामाद तीन तलाक बोल करके बेटी को वापस न भेज दें। भाई को चिंता, पिता को चिंता, मां को चिंता, और ऐसी कितनी ही बेटियां तीन तलाक सुनकर के घर लौट आती थी, परिवार के परिवार तबाह हो जाते थे। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए इन्होंने तीन तलाक के कानून को, परंपरा को रोकने के लिए हिम्मत नहीं दिखाई। मुझे वोट बैंक की चिंता नहीं थी, मुझे चुनाव के हार जीत के हिसाब से देश नहीं चलाता हूं, मैं मेरी मुसलमान बेटियों को सुरक्षा देना चाहता था और मैंने इस देश में से तीन तलाक उसको खत्म कर दिया, लाखों बहनों की जिंदगी बचाई है, लाखों परिवारों की जिंदगी बचाई है।
भाइयों और बहनों, आपके आशीर्वाद से मोदी ने जब ये सब किया तो कांग्रेस के साहजादे को बुखार आ जाता है, तकलीफ हो जाती है और बुखार में इंसान कुछ भी बोल देता है। साहजादा कह रहा है कि अगर मोदी तीसरी बार आया तो फिर देश में आग लग जाएगी। बोलो, ये पता नहीं इनके दिमाग में आग कहां से भर गई है। दरअसल कांग्रेस के सपने आग में राख हो चुके हैं। इस देश के लोगों ने कांग्रेस के हर इरादे को जान लिया है और इसलिए निराशा के गर्त में डूबी हुई कांग्रेस जो अपनी पार्टी को नहीं बचा पाती है, जो अपनी पार्टी में जान नहीं भर सकते हैं, वह देश में सत्ता प्राप्त करने के लिए निकले हैं। 60 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही है लेकिन आज उनकी स्थिति लेने के देने पड़ गए हैं। ये लोग सरेआम क्या भाषा बोलते हैं देश के विभाजन की। अरे भाई, 1947 में विभाजन देख करके देश तबाह हो गया और अभी भी उनके बड़े बड़े नेता देश के विभाजन की बातें करते हैं। और ये कांग्रेस के सारे जो चट्टे पट्टे हैं ना, इंडी गठबंधन, उनकी रणनीति एक ही है, देश में अराजकता फैलाओ, अस्थिरता फैलाओ, देश मुश्किल में आ जाए लेकिन कैसे भी करके इन्हें मोदी को बदनाम करना है। उन्होंने 100 साल की आपदा, सबसे बड़ी आपदा कोरोना के दौरान यही खेल खेले। भारत का कोविड मिशन फेल हो, भारत का वैक्सीनेशन मिशन फेल हो, इसके लिए उन्होंने हर प्रकार के हथकंडे अपनाए। जब सीए कानून हम लाए तब भी उन्होंने नकारात्मक फैला करके देश में तूफान फैलाने की कोशिश की। आप मुझे बताइए, बंटवारे के समय तब के जो हिंदू, सिख, ईसाई पाकिस्तान में रह गए थे, क्या भारत की के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? बंटवारा तो धर्म के आधार पर हुआ था ना, तो जो पीछे रह गए उनका क्या कसूर था? अब भारत ऐसे पीड़ितों को नागरिकता दे रहा है तो कांग्रेस को परेशानी हो रही है। साथियों, आज भी कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। इन्होंने हर बार चुनाव हार जाए तो बहाना ढूंढते हैं, ईवीएम ने मार दिया, ईवीएम ने मार दिया, ईवीएम, और जहां जीत जाए तो चुप। ईवीएम के विरुद्ध देश को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऐसा चांटा मारा है अब पता नहीं वो बोल नहीं पाएंगे कभी। अब इन्होंने क्या चलाया, संविधान खतरे में है, आरक्षण चला जाएगा। ये जो संविधान और आरक्षण की बातें करते हैं ना कांग्रेस वाले, बाबा साहब का अंबेडकर का संविधान, इन लोगों ने 60-70 साल तक राज किया लेकिन पूरे देश में लागू नहीं कर पाए थे। कश्मीर में ये संविधान लागू नहीं हुआ था, कश्मीर में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिलता था। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये मोदी है जिसने आकर के 370 हटा करके संविधान को कश्मीर में लागू किया। कश्मीर के अंदर जो दलित हैं उनको 70 साल के बाद अधिकार मिले, आदिवासियों को अधिकार मिले, महिलाओं को अधिकार मिले, ओबीसी को अधिकार मिले। संविधान की पवित्रता हिंदुस्तान के हर कोने में सुरक्षित करने का काम मोदी करता है। क्यों? मोदी संविधान के प्रति समर्पित है। भाइयों बहनों, जब देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिए हैं, आज देश में सबसे ज्यादा एमएलए एससी एसटी ओबीसी के बीजेपी के, सबसे ज्यादा एमपी एससी एसटी ओबीसी के बीजेपी के, उनका सब खाली हो गया है। और इसलिए अब उन्होंने एक कारोबार चलाया, फर्जी वीडियो, फेक वीडियो, सारा कारोबार फर्जी,
उनकी बात कोई सुनता नहीं तो मोदी का चेहरा और मुंह में दूसरी बात डाल करके लोगों को दिखा दे। अरे भाई तुम्हारे में हिम्मत हो तो तुम अपने चेहरे से बोल के दिखाओ ना, वो दम नहीं है। और उनको पता है न देश उनको देखना चाहता है, न देश उनको सुनना चाहता है, न देश उनको स्वीकार करना चाहता है। और आज कांग्रेस पार्टी और पूरा उनका इंडी गठबंधन एक फेक फैक्ट्री बन चुका है। ये कहते हैं खुद तो बड़ी बड़ी बातें कहते मौत का मोहब्बत की दुकान, लेकिन उनकी मोहब्बत की दुकान ऐसी है जो फेक सामान, फेक नारे, फेक वादे इसको बांटने में लगी हुई है। मोदी को बदनाम करने में वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है। मैं हिंदुस्तान में जहां जहां गया हूं, देश उनकी ये झूठी बातें, फर्जी बातें स्वीकार नहीं कर रहा है। पहले और दूसरे चरण में जो मतदान हुआ है उनके होश उड़ गए हैं और बहानेबाजी खोज रहे थे। अब जो पूरा पराजय में भी मॉरल विक्टरी देखते हो, उन लोगों को देश की जनता कभी स्वीकार करने वाली नहीं है। और मुझे विश्वास है मेरा गुजरात इस विजय यात्रा में सबसे आगे रहेगा। सबसे ज्यादा वोट गुजरात देगा, सबसे ज्यादा बूथ विजयी करके गुजरात देगा, और सभी की सभी सीटें गुजरात देगा। साबरकांठा से एक प्राथमिक शिक्षिका इस बार चुनाव के मैदान में है। समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति को सम्मान करना, ये भारतीय जनता पार्टी के पास समर्पण भाव से करने का इरादा रहता है। ये विजय गुजरात की विकास यात्रा को भी मजबूती देने वाला है, और इसलिए भी, और भाइयों बहनों, मैं गुजरात का बहुत उज्जवल भविष्य देख रहा हूं। अने मारे पहला जब पहली बार जो वोटर थे हमने जरा खास बात करी है, जे लोगों ने पहली बार मत आपा जवानों से, कारण के अत्यारे जे पहली बार वोट आपा जैसे ना, एमने तो खबर ज नहीं हुआ है कि एमना मां बाप की भी मुसीबत में जीवता था। काचा रोड होए, हॉस्पिटल ना होए, हॉस्पिटल हुए तो डॉक्टर ना होए, हॉस्पिटल हुए डॉक्टर हुए तो दवा ना होए। आज ये 18-20 वर्षना जवानियां हो जाए ना, एमने खबर नहीं हुआ कि एमना मां बाप जूनी सरकारों में केवी मुसीबतों में जीवता था। जे 18-20 वर्षना मतदाताओ छे एमने ये खबर नहीं हुआ कि आ मोदी साहेब ने तमे दिल्ली मोकल्या ए पेला देश की शू दशा थी। तमे जोयुं हशे बधे चोरे ने चौटे एक सूचना जोवा मळती थी, याद हशे बधा जूना लोगों नुं कही चले याद आवशे, कोई पण बिन वारसी चीज देखाय तो हाथ अड़ाड़वो नहीं, बिन वारसी चीज देखाय तो दूर रहेवू, क्या बिन वारसी बेग देखाय तो पोलिस ने जाण करवी, कोई बिन वारसी टिफिन देखाय केम तो देश में क्या पण बॉम्ब भड़ाको थशे एवू देश मां भय में जीवतो हतो। आ मोदी साहेब ने आया पछी आ बिन वारसी बधु शू थयुं भाई, बंद थई गयुं कि ना थई गयुं? एनो अर्थ एवो कहे छे ए वृत्तिना लोको छे, एमनी वृत्ति नहीं गई होय पण एमने खबर छे कि मोदी साहेब छे त्यां सुधी नहीं कराय। अने एटला माटे भाईओ बहेनो, 18 वर्षनी उमरना बाळको जे छे ने जवानियाओ, एमने आ जोवा जेवू छे। तमे पहला छापू खोलो ने तो भ्रष्टाचारना समाचारो आवता हता, पहला ज्यारे छापू खोलो भ्रष्टाचारना समाचारो आवता हता, आटला गया, आटला लूटाया, आटला गया,
आजे क्या समाचार आवे छे? आटला पकड़ाणा नोटो गणता गणता मशीन थाकी गया एवं आवे छे? आवे छे कि नहीं आवतु? हवे आ बधे पकड़ू तो पछी तकलीफ तो थाय ने भाई, तो पछी मोदी ने हटावा माटे ना कारसा तो रचे कि ना रचे? तो मारी रक्षा कोण करे? मारी रक्षा कोण करे? कोण करे? अरे मारा देश नो एक एक नागरिक करे, आ मारा गुजरात नो वालो भाई करे, मारो बहन करे। भाईयो बहनों, एक जमानो हतो उमर गाम थी अंबाजी सुधी आखा आदिवासी पट्टा में विज्ञान नी शाळा ज नहोती। बोलो, आ बधा आटली बधी वातो करे छे ने आरक्षण नी, विज्ञान नी शाळा ज नहोती। तो मारो आदिवासी छोकरो विज्ञान की शाला में ना भणे तो एंजीनियर ने डॉक्टर क्या थी थाय भाई? गुजरात में मोदी मुख्यमंत्री बनया पछी पहली वार आदिवासी पट्टा नी अंदर विज्ञान की शालाओ शुरू थई, अने आजे तो मेडिकल कॉलेजो आदिवासी पट्टा में छे, आजे यूनिवर्सिटी आदिवासी पट्टा में छे। विकास केम कराय तमे विचार करो साहेब। 4 करोड़ घर आपने बनाया, आंकड़ो नानो नथी। गरीबो जेने पासे जिंदगी में 4-4 पेढ़ी थी पाकू घर नहीं जोयू हुआ है, एवा परिवारों ने पाकू घर मळे ने, अहीं बधी पाका घर जेने मळ्या छे ने ए बहनो आईने मने हमणां आशीर्वाद आप्या, तमे जोयू हशे। आ पाकू घर मळे ने एटले एना सपना पाका थई जाय, जीवन में कई करवानी इच्छा जागे, छोकराओं ने भणावानुं मन थाय, जिंदगी बदलाई जाए। अने तमने मारी विनंती छे, हूँ कहूँ एक काम कहूँ तमे करशो? थाकी नहीं गया ने? करशो? एक काम करजो, आ चूंटणी में तमे गामे गाम जाओ ने तो कोई घर गाम में एक बे लोको कदाच तमने एवा मळेगा जो घर ना मळ्युं होय, कारण के रही गया हुआ काम के घर मू हो छोकरो जुदो रहवा गयो होने घर ना हो तो एमने कहजो कि आपणा मोदी भाई आया था, अने मोदी भाई कहू तमे चिंता ना करता, तीजी वक्त सरकार बनशे ने तमारु घर बनी जशे, आ मारी गेरंटी। कही देशो जेने जेना घर में गैस नु कनेक्शन नहीं हुआ है, मारा वती तमे कही देजो, तमने कोरो चेक आपी दीधो मेरो, तमें मारा माटे मोदी। कोई ने नरसी जल कनेक्शन ना मळ्यो होय कही देजो तीजी टम्मा पाको। आप विचार करो, 2-3 कामों माटे हूं तमने ध्यान दोरवा मांगू छू। आपणे एक योजना बनाई छे, कोई पण समाजनो कोई पण वर्गनो व्यक्ति, गुजरातनो कोई पण व्यक्ति, गुजरात में रहनारो कोई पण व्यक्ति, तमारा घर में 70 वस्ती उपरना पिता माता काका काकी नाना नानी कोई पण होय, अने आजकल तो होय छे परिवार में वडीलो होय छे, परंतु खावा पीवा में कोई छोकराने तकलीफ ना पड़े, मां बाप ने खवड़ावे पीवड़ावे शांति थी राखे पण खरा, पर जो बीमारी आई जाए तो छोकरो गम्मे तेटली मेहनत करतो होय ने पण एना टाटक्या ना मळे बिचारा, कारण के एक बाजू छोकरा मोटा करवाना होय, छोकरानी चिंता होय, एमने भविष्य जोवानुं होय, बीजी बाजू मां बाप मांदा पड़ी जाय तो शुं करवुं? तो मोटो बोझ जे 35-40-50-55 वाली उमरना भाईओ छे एमना उपर पड़े, अने एटले ज आ मोदीए नक्की कर्युं छे कि 70 वस्ती उपरनो कोई पण नागरिक एनी हवे बीमारी होय तो एना इलाज करवानी जवाबदारी आ दीकरानी, एने हवे तमारे खर्चो भोगवानो नहीं, ए जवाबदारी मोदीनी। हवे आ वात तमे घरे घरे पहोंचाड़ो, एमने कहो कि आ काम करू छे, मारे बीजू काम करवू छे, मारे तमारू वीजळी बिल जीरो कर देवू छे, मारे तमारू पेट्रोल नु बिल जीरो कर देवू छे। तमने थशे के आ शुं थयुं छे आज साहेब ने,
પણ વાતો હવામાં નથી સાહેબ, આપણી પાસે યોજના છે. આપણે પીએમ સૂર્યઘર યોજના નક્કી કરી છે અને આ પીએમ સૂર્યઘર યોજના અંતર્ગત સરકાર 50-60-70 હજાર રૂપિયા જેવી જરૂરિયાત એટલા રકમ આપે છે અને તમારા ઘર ઉપર તમે સોલાર સિસ્ટમ ફિટ કરો અને તમે જે વીજળી પેદા કરો તમારે જોઈએ તમે મફતમાં વાપરો, ઝીરો બિલ. અને વધારાની વીજળી સરકાર ખરીદશે એમાંથી તમે કમાણી કરો. આજે તમે વીજળીનું બિલ ભરો છો, મોદી એવા દિવસો લાવશે કે તમે વીજળીમાંથી કમાણી કરશો. બોલો, આનાથી બીજું ખોટું શું? ને મારી વાત સમજાય છે? કે લાગતું નથી સમજતા હોય એવું. હે, આમ એકદમ ધ્યાનમગ્ન થઈ ગયા છો આજે. તમે વિચાર કરો, વીજળી બિલ મફત. બીજું મેં કહ્યું તમારું પેટ્રોલનું બિલ. હવે જમાનો ઇલેક્ટ્રિક વેહિકલનો આવવાનો છે, એટલે તમારી પાસે સ્કૂટી હોય, સ્કૂટર હોય, કાર હોય તો આજે તમને ઘરેથી નીકળો 100-200 રૂપિયાનું પેટ્રોલ ભરાવવું પડે. હવે ઇલેક્ટ્રિક વેહિકલ આવશે એટલે તમારા ઘરમાં જ જે વીજળી છે, તમારું વાહન રાત્રે ચાર્જ થઈ જાય, સવારે નીકળી પડો, એક રૂપિયાનો પણ તમને પેટ્રોલનો ખર્ચો નહીં. હવે તમે મને કહો કે આ દેશનો જે મધ્યમ વર્ગ છે એનું જીવન કેટલું બદલાઈ જશે અને એ પૈસા પોતાના પરિવારના કલ્યાણ માટે, પરિવારના સપના પૂરા કરવા માટે કેટલા બધા વાપરી શકશે? આપ જુઓ, ગુજરાત ગર્વ કરે. આજે દુનિયાનું સૌથી મોટું સ્ટેચ્યુ ક્યાં? દુનિયાની સૌથી મોટી ઓફિસની એરિયા કોનો? સુરતનો. દુનિયામાં સૌથી મોટું સ્ટેડિયમ ક્યાં? આ તાકાત છે ગુજરાતની ભાઈ. અને હવે ઇલેક્ટ્રિક વેહિકલ બનવાના કામ ગુજરાતમાં થવાના, વિમાન બનવાના કામ ગુજરાતમાં થવાના, સેમી કન્ડક્ટરનું મોટું કામ જે દુનિયાના 4 કે 5 દેશમાં છે એ ગુજરાતમાં થવાનું. તમારે તો બે હાથમાં લાડવા છે કે નહીં? લ્યા, પાંચે આંગળી ઘીમાં છે કે નહીં? તો પછી મોદીને મજબૂત કરવાના કે ના કરવાના હોય? તો મારી તમે બધા વિનંતી છે ભાઈઓ, ગમે તેટલી ગરમી હોય પણ પહેલા મતદાન પછી જલપાન. મંજૂર? મંજૂર? પાકે પાયે? બોલો, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. તો હાલમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાત પ્રવાસે છે. આજની બે જે જનસભાઓ હતી તેનો અંત આવ્યો છે. હજુ પણ આવતીકાલના દિવસે ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત, સૌથી મહત્વની વાત જે છે કે સૌરાષ્ટ્રને પણ ટાર્ગેટ કરવામાં આવશે. આવતીકાલે 6 જેટલી જનસભાઓનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.